हेलो और मैं जुलाई गौरव और एंड जुलाई 2022 को इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यह स्टेटमेंट दिया पांच साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त तो हो जाएगा वेल well, आने वाले पांच सालों में पेट्रोल जो हर नाके में मिलता है गायब होने वाला है नॉट जस्ट दिस इंटरनेशनल कंसल्टिंग फॉर्म आर्थर डी लिटल ने तो एक स्टडी में यह तक कह दिया है कि 2030 तक इंडिया की 30% परसेंट गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएगी अब उनके ये कंसर्न्स पॉल्यूशन को लेकर है लेकिन एक मिनट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से भी पोल्यूशन कम नहीं होगा क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिनेबल रिसोर्सेस जिसकी कोल नेचुरल गैस और ऑयल से ही बनती है मतलब अगर आज की सिचुएशन को देखा जाए तो हमारा हाल कुछ ऐसा है कि एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मिनिस्टर ने ऐसे कैसे कह दिया इलेक्ट्रिसिटी के अलावा क्या और ऑप्शन है हमारे पास कि पांच साल में ही पेट्रोल कंप्लीटली बंद होने वाला है सो वेल लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस इन टूडे वेर वीडियो सेवेंथ जुलाई को गडकरी जी का ऐसा कहना लाजमी भी था क्योंकि हम सभी को पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड पेट्रोल और बाकी क्रूड ऑयल बेस्ड फ्यूल्स को लेकर तीन मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पहला प्रॉब्लम ये सभी फ्यूल्स नॉन रिनेवेबल है यानी कि कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे दूसरा प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से आज पूरी पृथ्वी खत्म होने की कगार पर है वो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग

या इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर होगी या सी और एल पर होगी मतलब गडकरी जी ने जिसका जिक्र अपने स्पीच में किया था हाइड्रोजन एल एनजी सी एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल अब एल एनजी और सीएनजी थिंक इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है सो डायरेक्टली पॉसिबल फ्यूचर ऑफ फ्यूल्स हाइड्रोजन की बात करते हैं हाइड्रोजन वैसे तो काफी सारे फ्यूल्स के कंपेरिजन में काफी क्लीन और पावरफुल है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि ऑलमोस्ट नाइनटी फाइव परसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वहां से डिराइव किया जा रहा है और यही डेरिवेशन का काफी ज्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। लेकिन ऑफ कोर्स हाँ ये फ्यूल रीनेवेबल सोर्सेस से डिराइव होने लग गया, देन डेफिनेटली इट वुड बी अ गेम चेंजर। और गडकरी जी भी उसी हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, हाइड्रोजन एक उभरता हुआ फ्यूल है। और करंटली हम इसे पूरी तरीके से यूज भी नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए 2011-2013 के बीच में कुछ रिसर्चर्स ने एक सिमुलेशन परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने ये देखा कि अगर हमने एथेनॉल को फ्यूल यूज किया तो पॉल्यूटेंट्स का एमिशन 28 से 45 तक कम हो गया यस yes, आपने बिल्कुल सही सुना पोटेंशियली आधा पॉल्यूशन कम हो गया वेल well, लेकिन एथेनॉल ये नाम सुनकर क्या लगता है किसी तरह का अल्कोहल, राइट योर करेक्ट एल्कोहल होने की वजह से ये पेट्रोल से ज्यादा जल्दी बर्न भी हो जाता है मतलब इसकी हीटिंग वैल्यू लो है और इसीलिए पेट्रोल के मुकाबले 1.6 टाइम्स ज्यादा एथेनॉल लगता है टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ पावर पर पूरी बड़ी पिक्चर में एक मामूली सा फ्लॉ है, है।, है लेकिन एक और एक पॉइंट चीप और सस्टेनेबल होने के बावजूद भी इस फ्यूल के कुछ ड्रॉबैक्स है जैसे को डैमेज और कोरोनॉल एक अल्कोहल है और इसीलिए पानी को अट्रैक्ट करता है

राइट well, पेट्रोल right. और एथेनॉल के मिक्स को ब्लेंड कहते हैं जिसमें अगर 90% है है, है और 10% तो उसे E10 blend कहते हैं। पर जल्द ही से आगे बढ़ने वाला है क्योंकि 2018 की हमारी पॉलिसी ये कहती है कि 2030 तक इंडिया में E20 mandatory हो जाएगा। लेकिन के सिर्फ छह साल बाद जब ई टेन इंडिया में आ चुका था तो सवाल यह उठता है कि ई ट्वेंटी अब तक इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया वेल well, प्लान

रीज़न है कॉस्ट। अब क्योंकि एक जैसे कि से बनता है तो उसकी बेस प्राइस शुगर की डिमांड और प्राइस से तय की जाती है और मुश्किल ही सही लेकिन जब फ्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, अपने अलग -अलग होते है। और इंडियन स्पेसिफिकॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को स्मूथ करने के लिए हम हमारी डिवेलपिंग नेशन ब्राजील की ओर देख सकते हैं क्योंकि ब्राजील में एज अ फ्यूल 1976 में इंट्रोड्यूस हो चुका था और 2008 तक ई ट्वेंटी फाइव ने 50 परसेंट मार्केट शेयर को कवर कर लिया इनफैक्ट 2019 में ब्राजील ने पेट्रोल के इंपोर्ट में 0.5 मिलियन बैरल्स पर डे कम करके 13 बिलियन डॉलर्स की बचत तक की और आज वहां पर 78 कार्स परसेंट ब्लेंड पर चलती है और वो ऐसे कि बनता है से, जो जनरली शुगर केन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो ऐसे में ब्राजील ने सोचा कि क्यों ना एक नए टाइप का शुगर केन बनाया जाए जिसमें सुक्रोस कम हो और बायोमैस ज्यादा हो और इस तरह से वहां का नॉवेल एनर्जी केन इजाद हुआ

सकते हो बहुत ही मैसिव चेंज यहां पे इन्वॉल्व होता है उसमें कॉस्ट और लोगों का इजी एडेप्टेबिलिटी एक मेजर फैक्टर बन जाता है सो so, सवाल यह है कि क्या अगर हम इन फ्यूल्स को इंडिया में ले भी आते हैं तो क्या इंडिया और अपनी पॉपुलेशन उसे सस्टेन भी कर पाएगी

नाम मिस कर दिया इस स्टेज को स्किप करके वो लोग डायरेक्टली BS6 में चले गए ताकि पोल्यूशन और ज्यादा तेजी से कंट्रोल हो सके अब सवाल यह है कि इन नॉर्म्स से आखिर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे होता है सो इसका जवाब काफी सिंपल है ये स्टैंडर्ड्स गाड़ियों से लेके मैन्युफैक्चरिंग हब्स तक एमिशन करने वाली सारी चीजों पर इक्वली लागू होते हैं अब इसके में आप पेट्रोल और डीजल के ही एक्स को ले लो इन सिग्निफिकेंट लेवल पर कम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार के कंपेरिजन में कितने लेवल पर कम एमिशन करते हैं मगर इसे यूज करने का हम जैसे कॉमन लोगों का क्या फायदा होगा क्योंकि जैसे बी एस फोर से व्हीकल्स बी एस सिक्स पर मूव हुए सारे व्हीकल्स की कॉस्ट बढ़ चुकी थी आप लोग ने भी नोटिस किया होगा पहले स्कूटीज कितने सस्ते होते थे बी एस सिक्स इंजिन आने के बाद स्कूटीज की प्राइस फॉर नो स्मार्ट रीजन स्काई रॉकेट करने लगी वेल मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी की रिपोर्ट कहती है लोगों को ई ट्वेंटी ब्लैंड यूज करके सिक्स टू सेवन का एफिशियंसी लॉस होगा लेकिन ये फ्यूल उन्हें गैसोलीन से थर्टी कम प्राइस पर पड़ेगा और अब जाहिर सी बात है न्यू फ्यूल इज इक्वल टू न्यूली बिल्ट इंजिन सो चाहे फ्यूल प्राइस कम हो के हमारा फायदा हो लेकिन व्हीकल की कॉस्ट पर तो इफेक्ट दिखेगा

Emissions को बहुत ज़्यादा करने के लिए कहा कहा जाता है, है, you know, अब ये कहा तो हमेशा से जा रहा है, but have you ever wondered की हमारे emissions कितने ज़्यादा इन countries से? Well, अगर देखा जाए ना तो हिस्टोरिकली ट्वेंटी थ्री रिच कंट्रीज दुनिया के आधे कार्बन के लिए रिस्पॉन्बल है और बाकी की पूरी दुनिया 50 एमिशन के लिए और इसीलिए अब ये हो रहा है कि बढ़ते क्लाइमेट चेंज की वजह से नेपाल भूटान बांग्लादेश और मालदीव्स जैसे छोटे छोटे कंट्रीज इनका कार्बन कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल रहा है वो कंट्रीज बेचारे किसी और के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं वो डिस सफर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज हैज Directly and adversely affected our efforts for alleviating poverty in Nepal. और इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए अमीर देशों ने 2009 में हर साल 100 बिलियन डॉलर से मदद करने की बात की थी लेकिन उन्होंने साल प्रति साल अंडर डिलीवर किया है

क्योंकि अगर यूएन में वो पास हो गए ना तो उन कंट्रीज के ऊपर लाइबिलिटी के केसेस की बाढ़ आ जाएगी

एक सवाल पूछने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि क्या पास्ट में हुआ क्या आज की तारीख में सच में खत्म हो चुका है वेल well, फ्रेंड्स अब क्या ही कहा जाए यहां पर जो लोग पावर में है वही चलाते हैं पूरे दुनिया को बट anyway हम अपना बेस्ट करेंगे अपने तरफ से जितने हो सके रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे सो so, आपको क्या लगता है कौन सा एलिमेंट बेस्ट फ्यूल किया जा सकता है इंडिया के एनवायरमेंट के लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना गेट सर फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस कीप कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग जय हिंद